Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रिहा किए जा रहे हो, लेकिन आगे से 420 के धंधे मत करना, कोई अच्छे काम करना। जेलर साहब, अगर हम लोग भी अच्छे काम करने लगे तो फिर अच्छे लोग क्या काम करेंगे। हाँ, ये वादा करता हूँ अब के ऐसा काम करूँगा कि मुझे आपके दर्शन नहीं करने पड़ेंगे, आपको मेरे दर्शन करने पड़ेंगे। मुझे लगता है तुम्हारी सारी उम्र जेल ही में कटेगी। जेलर साहब, मैं तो फिर भी जेल में आता जाता रहता हूँ, सारी उम्र तो जेल में आपकी कट रही है। हैं? नमस्कार। मोती, 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 मैं कहती हूँ रुक जा। अब कहाँ जाएगा? भागता है बदमाश। कहाँ भाग रहा था? शैतान कहीं का। हे मेरे मालिक, मुझे बकरा ही बना दिया होता। भगवान से दुआ सोच समझ के मांगना छला बाबू, बकरे के गले पे छुरा भी चलता है। अरे चला देना छुरा, कर डाल मुझे कत्ल। इस कुंवारेपन के जीने से तो तेरी जैसी का हाथों मर जाना अच्छा है। अच्छा, ये बात है। हाँ। ठहर, अभी करती हूँ तेरी मनोकामना पूरी। ठहर जा बेशरम, भागता किधर है? अरे अरे अरे, भाग भाग भाग। चंदा दीदी, क्या है? घर चल, माँ बुला रही है। अभी तो जाकर आई हूँ घर से। क्या कह रही माँ? शंकर मामा आया है शहर से। तो मैं क्या करूँ? वो तेरे ही बारे में बात कर रहा है, चल। अच्छा, तो मैं अभी घर जाकर आती हूँ, तू मोती का ध्यान रख। हाँ? शहर के रईसों में गिने जाते हैं। बंगला है, बगीचा है, जमीन जायदाद है, बड़े इज्जतदार और खानदानी लोग हैं। सावित्री, ऐसा वैसा कोई घर होता तो मैं खुद ही नहीं कहता। और फिर घर में कामकाज भी कुछ ज्यादा नहीं है, बस दो ही तो जने हैं, एक बहन एक भाई। बहन तो शीला दीदी हैं, साक्षात देवी का अवतार, दिन रात भजन पूजन में लगी रहती हैं, न शादी की न ब्याह, बड़े सुख से रहेगी चंदा। मेरा तो ख्याल है सावित्री, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है शंकर मामा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। दीदी तुम्हारी इस दिन रात की पूजा भक्ति से मेरी तो कमबख्ती आ गई। क्यों? देखो ना 11 बजने को है और सुबह से एक प्याली चाय तक नहीं मिली। पहले तुम सुबह 8-9 बजे तक आ जाती थी, लेकिन जब से वो स्वामी आया है ना, ना 11 का पता ना 12 का। तुम्हारी चाय के लिए स्वामी जी अपना कार्यक्रम तो नहीं बदल सकते। हाँ उसी का तकलीफ है, उसे तो उसकी चेलियां सुबह सुबह हलवा पूरी खिला देती है ना। आनंद खबरदार, जो तुमने स्वामी जी के बारे में ऐसी बातें कही। अगर तुम्हें चाय पीनी है तो खुद बना लिया करो, तुम अब बच्चे नहीं हो। ठीक है खुद बना लेंगे। चंदा तू उधर पिछवाड़े की तरफ चल, मैं अभी आता हूँ। हाँ? अच्छा तो ये चुरा के ले जाती है चिकू। भक्ति का चोटी, बहुत दिन हो गए तुझे चिकू चुराते। अरे क्या हुआ चंदा? अरे 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 आनंद बाबू क्या कर रहे हैं आप? मामा तुम हट जाओ, ये चोटी बड़ी मुश्किल से पकड़ में आई है। अरे ये तो चंदा है। अरे ये चंदा हो या सूरज, आज मैं इसकी टंगड़ी तोड़ के रहूंगा। ओहो, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं आनंद बाबू? भला ये आपके चिकू कैसे चुरा सकती है? ये तो आज ही मेरे साथ गाँव से आई है? हाँ। आनंद क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? शंकर मामा तुम? प्रणाम शीला दीदी। क्या बात है, ये शोर काहे का था? कुछ नहीं दीदी, ये वहाँ बगीचे में खड़ी थी, मैंने समझा चीकू चुराने आई है। कौन है ये लड़की? मैं इसे गांव से लाया हूँ शीला दीदी। आप कहती थी ना कि रसोई में काम के लिए नौकरानी चाहिए। अच्छा अच्छा, आओ अंदर आ जाओ। चलो। आओ आओ। क्या नाम है इसका? चंदा। इसे खाना बनाना आता है? सब कुछ बना लेती है शीला दीदी, तीज त्योहार के पकवान भी बना लेती है। नहा धोकर साफ तो रहती है ये? अजी नहाना तो इसकी खास आदत है शीला दीदी। इनके घर के पास ही एक पोखर है, इसकी माँ जरा इधर उधर हुई कि इसने कपड़े उतारे और छलांग लगा दी। चल देखिए कैसा खाना बनाती है। तुझे मच्छी पकाना भी आता है? हाँ। आनंद तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस घर में मांस मच्छी का नाम मत लिया करो। दीदी मैं तो सिर्फ पूछ रहा था। चल। अब आजा, इधर सब सामान रखा है और इन कलशों में कुएं का पवित्र जल। मेरे घर में नल के पानी से खाना नहीं बनता। और देख सब काम बिल्कुल सफाई के साथ करना, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। समझ गई ना? हाँ। तो जा नहा ले। दूसरे कपड़े हैं? हाँ है, साफ धुले हुए। तो ठीक है। नल किधर है? वहाँ बाहर है, भोलू बैठा होगा वो तुम्हें बता देगा। अच्छा। पानी किधर है? पानी किधर है? ये नहीं, नहाने के लिए। जगह किधर है? गूंगा दिखता है। हम गूंगे नहीं हैं, सुनता कम है। दीदी तुम अभी तक मंदिर नहीं गई? जा रही हूँ। क्यों? नहीं वैसे ही। लेकिन तुम आज जल्दी कैसे आ गए? तुम्हें तो खेलने से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो मैच कैंसिल हो गया। दीदी दिल्ली से मेरे दोस्त सत्यन का खत आया है। कौन सत्यन? पिछली बार जब हमारे क्लास के लड़के टूर पर गए थे ना, तो मेरी उससे दोस्ती हो गई थी। वो जो तुम कोई माइनिंग इंजीनियर बता रहे थे? हाँ हाँ वही। यहाँ से 2 मील दूर तांबे की खान निकली है, उसका सर्वे करने आ रहा है। बड़ा ही मुफ्त और आउटस्पोकन आदमी है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। अच्छा दीदी, वो जितने दिन भी यहाँ रहेगा हमारे घर में ठहरेगा। मैंने उसे लिख दिया है। ठीक है। क्या कर रही है? दाल बीन रही हूँ। तू सवेरे मुझसे डर के भागी क्यों थी? हाँ, इतना मोटा डंडा उठाकर आओगे तो भागूंगी नहीं। अब भी डर लगता है मुझसे? ए बता ना। अच्छा एक प्याली चाय बना के दे। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। लेडीज एंड जेंटलमैन, भक्ति में सबसे बड़ी प्रेम भक्ति, ज्ञान में सबसे बड़ा प्रेम ज्ञान, और शास्त्रों में सबसे बड़ा प्रेम शास्त्र। शांति शिष्य शांति। भगवान कृष्ण महान प्रेमी थे, आदर्श प्रेमी थे, प्रेमियों के शिरोमणि थे, हेड प्रेमी, यू नो हेड लवर। इसी तरह राधा रानी जी भी प्रेमिकाओं में आदर्श प्रेमिका है। देयरफॉर राधा और कृष्ण का प्रेम न सिर्फ पवित्र प्रेम है, बल्कि विचित्र प्रेम है, महान प्रेम है, आदर्श प्रेम है, अमर प्रेम है। स्वामी जी, राधा और कृष्ण की शादी तो नहीं हुई थी, फिर उनका प्रेम पवित्र कैसे हो सकता है? कन्या, ये पवित्र प्रश्न इस पवित्र स्थान पर बैठकर करो। आओ आओ आओ, बैठो। कन्या, बहन और भाई का प्रेम अपवित्र होता है या पवित्र? पवित्र महाराज। पवित्र। बाप और बेटी का प्रेम अपवित्र होता है या पवित्र? पवित्र। पवित्र। बहन भाई और बाप और बेटी की शादी तो नहीं हुई होती? नहीं महाराज। तो फिर कृष्ण और राधा का प्रेम अपवित्र कैसे हो गया? समझी? जाओ जाओ अपनी जगह पर बैठो। अपवित्रता वो चीज है जो बगैर सोचे समझे पवित्र प्रश्न करने की कोशिश करे। आओ शिष्य। स्वामी जी, माया और ब्रह्म में बड़ा कौन है? अरे भाई, ऑर्डर ऑफ मेरिट में जो सबसे पहले खड़ा हो, यानी जैसे कि यहाँ पर माया। लेडीज फर्स्ट सी। महाराज। यस। कुछ लोग कहते हैं माया और ब्रह्म एक है, कुछ लोग कहते हैं 2 है, ये क्या भेद है? गुरुदेव, इसने तो बड़ा कठिन प्रश्न किया, अब क्या करोगे? कठिन प्रश्न का इतना कठिन उत्तर दूंगा कि प्रश्न और उत्तर दोनों समझ नहीं आएंगे, फिर भी तालियां पड़ेंगी। हाँ, ये बताइए कि ये क्या भेद है? ये भेद है कि तुम्हारी अक्ल में छेद है, बस इतना भेद है। वो कैसे? वो ऐसे मूर्ख कि माया और ब्रह्म दोनों एक ही चीज के 2 रूप हैं, जैसे पानी और बर्फ। पानी और बर्फ? हाँ। बर्फ क्या है? जमा हुआ पानी। और पानी क्या है? पिघली हुई बर्फ। इसी तरह से माया क्या है? जमा हुआ ब्रह्म। और ब्रह्म क्या है? पिघली हुई माया। धन्य है, धन्य है, धन्य है। स्वामी जी, ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा ही चलायमान है, इसे काबू में कैसे किया जाए? इन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है शिष्य। बैठ जाओ भक्त। हाँ। तुम मन को काबू में करना चाहते हो? जी हाँ महाराज। तो मन को खुला छोड़ दो। खुला छोड़ दो? हाँ प्राणी, बिल्कुल खुला छोड़ दो। मन एक जंगली घोड़े की तरह है, इसको जितना रोकोगे ये उतना ही भागेगा, इसलिए इसे रोको मत, इसे भागने दो, खूब भागने दो। भाग भाग के थक जाएगा तो खुद ही काबू आ जाएगा। क्यों शिष्य? सत्य ब्रह्म। इसलिए हमने कहा है कि मन को कभी मत रोको, मन को दौड़ने दो। Let the man run. Let the man run. मन को पिंजरे में न डालो, मन का कहना मत टालो, मन को पिंजरे में न डालो, मन का कहना मत टालो। अरे मन तो है एक उड़ता पंछी, जितना उड़े उड़ा लो मन को पिंजरे में न डालो, मन का कहना मत टालो। कहते हैं कि प्यार न करो, अरे भाई प्यार और न करो। मन जो कहे के प्यार करो, एक बार नहीं 100 बार करो। क्यों कि प्यार दिया उसने निभाने के लिए, आज प्यार दिया उसने निभाने के लिए, रूप दिया सिर्फ दिखाने के लिए, आंखें बनाई है लड़ाने के लिए, तो दिल दिया उसने मिलाने के लिए। अरे प्यार एक पुण्य है, प्यार है जाप, नहीं हो तो भी करो अपने आप। प्यार कोई पाप नहीं, प्यार है मिला, प्यार बिना जीवन है टोटल फ्लॉप। पुण्य पाप के चक्कर में कोई पढ़ के सके ना बच। क्यों रे चले, झूठ कहा? नहीं गुरुजी सच। थैंक यू वेरी मच। मन को पिंजरे में न डालो, मन का कहना मत डालो, मन को पिंजरे में न डालो। कहते हैं कि मदिरा न पियो, अरे भाई क्यों क्यों न पियो? मन कहे गर विस्की पियो, फिर जिसकी मिले तुम उसकी पियो। अरे पीने की चीज है ये, करो मत गम भाई, पीने की चीज है ये, करो मत गम। कभी नहीं सोचना कि ठर्रा या रम, कितने पियो के उखड़ जाए दम। बाटली मिले तो पूरी बाटली खत्म। अरे जब विस्की से मन भर जाएगा तो तौबा कर जाएगा। मन पे जो कोई काबू कर जाएगा, भवसागर से वो तर जाएगा। मोटी अकल वाले ना समझे मेरी बात बारीक है। क्यों चले जी, गलत कहा? नहीं गुरुजी ठीक है। मन को पिंजरे में न डालो, मन का कहना मत डालो, मन को पिंजरे में न डालो। और कहते हैं मन को बांध के रखो, अरे भाई क्यों बांध के रखो? ढीली छोड़ दो मन की लगाम, अमर हो जाए जग में नाम। कैसे? जिसके मन ने किया फ्लाई है भाई, जिसके मन ने किया फ्लाई है, उसने देखो मुक्ति पाई है। जैसे राधा मीरा बाई है, दोनों को ही मिला कृष्ण कनाई है। पर जिस जिसका मन अटक गया, वो राहों में भटक गया। अगर जरा ये खटक गया, तो समझो प्राणी लटक गया। ये तो है एक उड़न कबूतर, इसका उड़ना फट है। क्यों जी फॉरेनर, रॉन्ग है? नो सर करेक्ट है। वेरी गुड। मन को पिंजरे में न डालो, मन का कहना मत टालो। अरे मन तो है एक उड़ता पंछी, जितना उड़े उड़ा लो। मन को पिंजरे में न डालो, मन का कहना मत टालो। Therefore, gentlemen and gentlewomen, let the man run. कौन है रितु? तू कौन है? मैं कौन हूँ? अच्छा जरा इसका मिजाज तो देखो, आते देर नहीं हुई और पूछ रही है मैं कौन हूँ। तुम्हें जानती नहीं इसलिए पूछा था। मैं हूँ गोरा काकी, भोलू की माँ। इसलिए महात्मा पुरुष कल्याण की इच्छा करने वाले भाग्यशाली पुरुषों को सब प्रकार के आशीर्वाद देने वाला मैं हूँ। नारद जी बोले कि सब लोग मैं क्या इस घर में इतनी जल्दी पनाही हो गई? क्या हुआ काकी? क्या बताऊं बेटी, मैं तो तुमसे मिलने आई थी। जैसे ही रसोई में पैर रखा कि वो गंवार सी छोकरी जंगली भैंसे की तरह दहाड़ उठी। ऐ कहाँ जाती है? कौन है तू? मैंने कहा कि मैं शीला बिटिया से मिलने आई, तो थानेदार की तरह मेरी बहन लेने लगी, कहने लगी कि क्यों मिलने आई है शीला दीदी से, क्या काम है? बिटिया, हम और हमारे बच्चे तो तुम्हारी ही दया पर जिंदा है। हमारी ऐसी रोक टोक हुई तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। वो तुम्हें पहचानती नहीं इसलिए कहा होगा। कहो कैसे आना हुआ? 5-6 मिर्च लेने आई थी, घर पर मेहमान आए हैं और बाजार निगोड़ा बंद है। चंदा, काकी को कुछ मिर्चें दे दे। लेकिन वो छोकरी है बहुत चंट और छापटी। मैं कह देती हूँ, ऐसी छोकरियों का कोई भरोसा नहीं। घर में ताला कुंजी संभाल कर रखना, कल को कुछ चुरा कर खिसक गई तो जतन पहले का ही अच्छा होता है। ला हल्दी, मिर्ची, धनिया और ये गोभी दे। शीला दीदी ने कहा है। मैंने तुम्हें दीदी से सिर्फ मिर्च मांगते सुना है, सो ले ले और चलती बन। अरे तू मेरे से क्यों इतनी होशियारी करती है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? क्या सिखाया शीला दीदी को? मैं चंट हूँ, छापती हूँ, कुछ चुरा कर खिसक जाऊंगी। क्यों? अरे मैं तेरे बारे में थोड़ी ना कह रही थी। तू तो खामखा शक कर रही है। मैं भला तेरे लिए ऐसा कह सकती हूँ? तू तो बहुत अच्छी है। ये ले मिर्चे और फुट यहाँ से। चंदा, ओ चंदा, अरे गुड मॉर्निंग मिस्टर आनंद। सत्यन तुम? मगर यार तुम तो कल मंडे को आने वाले थे, आज संडे को कैसे चले आए? संडे और मंडे में सिर्फ वनडे का तो फर्क होता है। हमने सोचा एक दिन जल्दी सही। आनंद कौन है? आनंद दीदी मेरा वो दोस्त सत्यन। सत्यन शीला दीदी मेरी बड़ी बहन। लेकिन यार जब तूने कहा था तुम्हारी दीदी भजन पूजन और जप तप में लगी रहती है, तो मैं तो समझा था कोई बुढ़ी घुसड़ खांसती खांसती आएगी और मुझे आशीर्वाद देगी। बट शी सो माय गुडनेस। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो बोलता ही सच हूँ। इसीलिए मेरा नाम सत्यन है। क्यों आनंद? है? है? हाँ हाँ आओ अंदर आओ। जूते? जूते? जी हाँ जूते। इन्हें बाहर उतार कर आइए। मगर क्यों? सत्यन हमारे घर के अंदर जूते नहीं आते। लेकिन यार ये तो पवित्र चमड़े के हैं, हिरन की खाल के, मृगशाला के हैं, जिस पर बैठकर ऋषिमुनि तप करते हैं। ये मृगशाला के हों या बागंबर के, लेकिन अंदर नहीं आएंगे। ये हमारे घर की रीत है। अगर ये आपके घर की रीत है तो फिर मैं इसके विपरीत कैसे जा सकता हूँ? सुनिए, ये जुराब और पैंट तो पहने रहूं ना? यार आनंद, तुम्हारी दीदी को इस उम्र में ये सन्यास का भूत कहे सवार हो गया। यार पता नहीं, लोग कहते हैं दीदी मीराबाई का अवतार है, और शायद दीदी भी यही समझती है। और ये किसका अवतार है भाई? राधा का या रुक्मणी का? ये चंदा है, हमारे यहाँ नौकरी करती है। बड़ी खूबसूरत है यार, कहाँ मिलती है ऐसी नौकरानियाँ। लेकिन यार तुम्हारी दीदी ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? किससे करेगी? मर्दों से तो सख्त नफरत है। क्यों भाई, मर्दों ने क्या कसूर किया? आनंद मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहे। क्यों साहब, ये आपके घर की कौन सी रीत है जो मेहमान को घर में बैठाकर खुद बाहर जा रही है? सत्यन दीदी भगवान की पूजा करने जा रही है। लो, घर आए नाग ना पूजिए और बम्बी पूजन जाए। अरे मेहमान तो खुद भगवान के बराबर होता है, आप हमारी पूजा कीजिए। सत्यन बाबू, आपको औरतों से बात करना नहीं आता? कैसे आता, जिंदगी में कभी किसी औरत से वास्ता ही नहीं पड़ा। माइनिंग इंजीनियर हूँ, दिन रात पत्थरों से सर फोड़ता रहता हूँ। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपकी सेवा में आ गया हूँ, बहुत जल्द सब कुछ सीख जाऊँगा। यार सत्यन, कुछ तो सोच समझ कर बात किया कर। तुमने शीला दीदी का गुस्सा देखा नहीं? कहीं नाराज होगी ना, हम दोनों को घर से बाहर फेंक देंगे। देखो बरखुरदार, औरत चाहे जितना मर्जी जब तब कर ले, औरत फिर भी औरत है। ए वोमेन इज ए वोमेन इज ए वोमेन। क्या समझे? आनंद, आनंद तुम्हारा बदतमीज दोस्त इस घर में नहीं रहेगा है? इसे तिवारी जी के सामने वाले बंगले में ठहरा दो। क्या नाम है तुम्हारा? भोलू। भोलू, मकान में अच्छी तरह झाड़ू लगाकर सफाई कर देना, और सत्यन अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो घर से मंगा लेना। श्योर यार, श्योर यार। मैं अब चलता हूँ, मुझे एक मैच खेलने जाना। ओह यस प्लीज, कैरी ऑन। ओके आनंद, सी यू। हमारा नाम राघव है। राघव? हाँ। ये तो बहुत अच्छा नाम है, राघव तो भगवान का नाम है। क्यों रे, तू अभी नाश्ता भी नहीं कर चुका? हाँ? मैंने कहा अभी तेरा नाश्ता खत्म नहीं हुआ। अभी हो जाता है, अभी हो जाता है। एक पैसे चींटी की तरह लगा हुआ है, कब जाके कुएं से पानी लाएगा, कब मैं खाना बनाऊंगी। ए, ये कौन उठाएगा? तेरी जोरू? स्वामी जी महाराज, ये बाढ़ कौन कौन आया है? एक बहुत बड़ा सेठ आया है। उसका आगे पीछा? उसका तो पता नहीं चला गुरुदेव। तो इडियट, अपना बिजनेस कैसे चलेगा? ऐसे करो, उसको बोल दो कि स्वामी जी 7 दिन के लिए समाधि में गए हुए हैं, इतने में उसके आगा पीछा पता कर लो। हैं? अच्छा गुरुदेव। और कौन आया है? एक कन्या आई है। कन्या? अबे उल्लू के बच्चे, तो पहले कन्या की बात क्यों नहीं की? गुरुदेव उसका भी आगा पीछा। अरे उसके बारे में हम खुद पता कर लेंगे, जा लेके आ आगे पीछे का बच्चा। आओ कन्या, बैठो। बालिके, तुम्हें कन्या कष्ट है। कन्या कष्ट? हाँ, यानी किसी काम में जी न लगना, रातों को नींद न आना, भूख का न लगना, वगैरह वगैरह, है ना? है महाराज, लेकिन आपने कैसे जाना? और तुम्हारी पीठ पर एक तिल है ना? है महाराज। ये तिल एक पिछले जन्म के प्रेमी का दिल है। उस जन्म में तुम्हारा वो प्रेम असफल रहा, इसलिए इस जन्म में तुम्हें कन्या कष्ट रहा। धन्य महाराज, आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं। पहुंचे कहाँ, अभी तो पहुंचने वाले हैं। महाराज, मेरा ये कष्ट कैसे मिटेगा? देखो कन्या, ये कोई टीबी या कैंसर जैसा मामूली रोग तो है नहीं जो कि दवा दारू या ऑपरेशन से ठीक हो जाए। इसके लिए तो तुम्हें निर्भय होने का गुरुमंत्र लेना पड़ेगा। बोलो, तैयार? तैयार है महाराज, तैयार है। तो हमारे नजदीक बैठो। नजदीक बैठो, निकट बैठो, निकट बैठो। हम तुम्हें निर्भय होने का गुरुमंत्र देंगे। महाराज, आपने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है? गुरुदेव, जब भी किसी कन्या का कष्ट निवारण करते हैं तो अंधे होकर करते हैं। शिष्य, तुम बाहर जनता को जाकर रोशनी दो, हम यहाँ कन्या को रोशनी देंगे। कन्या, सेवा का लाभ उठाओ, सेवा का करो, सेवा खाओ मेवा। लेट द मन रन। राधे, अब तुम यहाँ लेट जाओ, हम तुम्हारा इलाज टच सिस्टम से करेंगे। टच सिस्टम? वो क्या होता है महाराज? राधे, ये एक विशेष क्रिया है, तुम्हारे शरीर में जहां जहां पीड़ा होगी हमारे छूने से दूर हो जाएगी। लेट जाओ। हाँ महाराज, कष्ट तो मेरे दिमाग में है और आप वहां छू रहे हैं। हमें मालूम है राधे, मगर दिमाग की नाड़ी भी यहीं से शुरू होती है। लेट जाओ राधे, अब हम तुम्हारी नाड़ी की धड़कन यानी कि पल्स बीट सुनना चाहते हैं। लीजिए महाराज। यहाँ से नहीं राधे, जहाँ से धड़कन शुरू होती है। वो तो दिल से शुरू होती है महाराज। बस वहीं से सुनना चाहते हैं हम, सिर्फ अपने कानों से सुनेंगे। कुछ सुनाई दिया महाराज? हाँ राधे, बड़ी मीठी धुन है तुम्हारे हृदय की, जी चाहता है सुनते ही जाएं। चले जी महाराज। क्या है दादी माँ? तुम्हारे गुरुजी महाराज कहाँ हैं? क्यों, तुमको उनसे क्या काम पड़ गया? मुझे उनसे गुरु मंत्र लेना है। दादी, इस उम्र में गुरु मंत्र वगैरह रहने दो, तुम्हारी तो वैसी मोक्ष हो जाएगी। जाओ। मोरा लागे नहीं चित, मोरा लागे नहीं चित, ढूंढू इतुत तुम कित, नित नित लूं मैं तेरा नाम। पल पल छिन छिन, पल पल छिन छिन, कहो कृष्ण कृष्ण, किसी दिन तो मिलन होगा शाम। मोरा लागे नहीं चित, ढूंढू इतुत तुम कित, नित नित लूं मैं तेरा नाम। मैंने कहा हट हट झटपट, मैं तो गई थी आंचल में सिमट। उसे लागे मोरे नैन, उसे लागे मोरे नैन, करो बैन सारे बैन, छिन गयो मोरा चैन आराम। मोरा लागे नहीं चित, ढूंढो इत उत तुम कित, नित नित लूं मैं तेरा नाम। श्रृंगार नायक भगवान श्री कृष्ण की जय, बोल मनसुखा प्यारे की जय। आज आप यहाँ कैसे? ये आश्रम, ये मंदिर वगैरह तो बने ही स्वामी जी और मेरे जैसे पापियों के लिए हैं, जहाँ हम अपने पापों की भगवान से क्षमा मांग सके। लेकिन तुम यहाँ कौन से पापों की माफी मांगने आती हो? अब मेरा मतलब है पहले कोई पाप तो करो। अरे बात तो सुनो, मैं इन बेकार की बातों में अपना वक्त बर्बाद करना नहीं चाहती। और ये जो जिंदगी बर्बाद कर रही हो वो? चंदा, ओ चंदा, क्या है रे भोलू? क्यों चंदा चंदा चिल्ला रहा है? जब देखो चंदा चंदा खाता रहता है, जैसे चंदा इसकी नानी लगती हो। चंदा क्या है? ओहो, राजा जी की जरा हंसी तो देखो, जैसे फूल झड़ रहे हैं। ही 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 ही। पत्र का जवाब जल्दी जल्दी देना। तुम्हारी प्यारी बेटी भोलू। ए भोलू, अरे सुनता नहीं क्या? यहाँ कैसे रूठा रूठा फिरता है? खाना नहीं खाएगा? क्यों? मुझसे नाराज है? बुद्धू कहीं का। चल खाना खा ले, मैंने तेरे लिए परोस के रखा है, आजा। चंदा, दाल मुझे भी देना। अरे ये क्या? ये दाल खीर में क्यों डाल दी? कहाँ ध्यान है तेरा? दीवानों की तरह काम करती है। शांत शीला देवी, शांत। इस अबोध कन्या पर इतना क्रोध उचित नहीं। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? और कटोरियां नहीं है? मैं दूसरी प्याली में लाती हूँ। नहीं नहीं रहने दे, आखिर पेट में जाकर भी तो सब चीजें मिलनी हैं। वैसे चंदा आज तूने खाना बनाया बहुत स्वादिष्ट है। ये भिंडी तो ऐसी बनी है कि तली हुई मछली को भी मात कर रही है। वाह वाह क्या बात है। सत्यन बाबू आप खाना खाते वक्त क्या गंदी चीजों का जिक्र करने बैठे हैं? खाना खाते वक्त तो खाने पीने की चीजें याद आएंगी शीला देवी। तुम्हारे यहाँ रोज ये घास फूस खाते खाते बोर हो गया हूँ। दीदी यार सत्यन ये क्या किया? शाम को तो वैसे उपास सकती हैं, सुबह एक वक्त खाना खाती हैं, वो भी तुमने मूड ऑफ कर दिया। अच्छा ही तो है, अगर एक टाइम उपवास रखने से भगवान जल्दी मिलता है तो दोनों टाइम उपवास रखने से और भी जल्दी मिलेगा। कैसी बातें करते हो यार। ठहर, चाय बना के दे। क्या है? बैठना। देखो तुम ये छेड़छाड़ मत किया करो। कैसी छेड़छाड़? यही कभी हाथ पकड़ लेते हो कभी चूंट लेते हो, और वो भी सबके सामने। हंसते क्या हो? वो तो अच्छा हुआ शीला दीदी ने नहीं देखा, वरना दोनों की शामत आ जाती। ये तेरी गलती क्या है? फिर वही बात। लेकिन अब तो यहाँ कोई नहीं है, ना शीला दीदी ना सत्यन। चंदा काहे को मोरा बिछुआ बाजे रे, आँखों में बेरी कजरा साजे रे। बताओ हवाओं घटाओ बोलो ना, काहे को मोरा बिछुआ बाजे रे, आँखों में बेरी कजरा साजे रे। झुमका भी चुप, हाँ बिंदिया भी चुप चुप, झुमका भी चुप। जवानी में ये कैसी परेशानी, देखो ना काहे को मोरा बिछुआ बाजे रे, आँखों में बेरी कजरा साजे रे। स्वामी जी का आसन अभी तक नहीं लगाया? भोलू लाने गया है, अभी तक नहीं लेकर आया? नहीं। क्यों रे, तुझे कल से कहा हुआ है, तूने अभी तक आसन क्यों नहीं लगाया? अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, रख उधर। ऊपर नीचे किसे रखना है? आप दोनों रख दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। बुद्धू कहीं का। Let the man run. स्वामी जी प्रणाम महाराज। कल्याण मस्तु। गॉड बी विद यू। पधारिए। आओ शिष्य। हाँ प्रभु। विराजिए। ओम। शील। हाँ महाराज। सामग्री आ गई? आ गई महाराज। तो अंदर जाकर पूजा की तैयारी करो। जो आज्ञा। गुरुदेव, तुम भी अंदर जाकर पूजा करो। जो आज्ञा गुरुदेव। Come here. Don't fear. I am here. यहाँ हमारे निकट आ जाओ और हमसे आशीर्वाद लो। नाम? चंदा। सुंदर। आयु? 17 साल। अति सुंदर। कन्या? तुम्हारे मन में भय है, है ना? भय ही हर पाप की जड़ है। जो कर्म भय से किया जाता है वही पाप है, और जब वही कर्म निर्भय से किया जाता है तो पुण्य हो जाता है। तुम हमारे आश्रम आया करो, हम तुम्हें निर्भय का गुरु मंत्र देंगे। लेट द मन रन। सॉरी, वो चित्र तेरी माया। तो आप ही वो कलेश योगी हैं? यस यंग मैन। इसी चोले को कलेश योगी आचार्य कहते हैं। कौन ब्राह्मण है आप? कबीरा जात न पूछो साधु की, ये पूछो तो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कहाँ के रहने वाले आप? रमते राम है यंग मैन। घर है ना घाट है, बहना ना भाई है, माई है ना बाप है। ये आखिरी बात मेरी समझ में आती है। एंग्री यंग मैन। महाराज, आपका नाम कलेश योगी कैसे पड़ा? भाई मुकेश योगी और रमेश योगी तो बुक से, हमने कलेश योगी रख लिया। लेकिन आप जैसे महात्मा को तो किसी पहाड़ या जंगल में जाकर भजन करना चाहिए। महाराज, आप इस दुनिया में क्यों भटकते फिरते हैं? यंग मैन, आजकल बंगलों और जंगलों में फर्क ही क्या रह गया है? हर जगह जंगल ही का तो राज। काफी पहुंचे हुए मालूम पड़ते हैं। मेरे भाई, जो सच्चे दिल से साधना करता है ना, वो आगे या पीछे कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। सत्यम, वो चित्र तेरी माया। कन्या? कन्या? गुरुदेव, विचित्र तेरी माया, अपना शिष्य ही अपने बीच में आया। अरे भोलू, तू यहाँ कैसे बैठा है? क्या बात है, बड़ा उदास लग रहा है। बोलना। हम ये बस्ती छोड़कर कहीं चले जाएंगे। कहाँ चला जाएगा? अपनी ससुराल? कहीं भी चले जाएंगे, इतनी बड़ी दुनिया है। मगर क्यों? बस हमारी मर्जी। यहाँ हमको सब डांटते रहते हैं। घर जाते हैं तो माँ डांटती है, राधा डांटती है। यहाँ आते हैं, शीला दीदी और आनंद बाबू और सभी डांटते हैं। अरे तू शीला दीदी की बात का बुरा मत मान। वो ऊपर से तीखी जरूर है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। नहीं, उन्होंने हमें डांटा है। हमें सब डांटते हैं, हम किसी को अच्छे नहीं लगते। क्यों नहीं लगता? मुझे अच्छा लगता है। तू झूठ तो नहीं बोलती? नहीं तो बिल्कुल सच बोलती हूँ, तेरी सौगन। तू हमें बुद्धू नहीं समझती? बिल्कुल नहीं। तुझे जो बुद्धू समझे वो खुद बुद्धू है। और फिर तुझ में क्या कमी है? तू समझदार है, खूबसूरत है, अच्छा है। चंदा, हम तुझे सच्ची मुच्ची अच्छे लगते हैं। हाँ, सच्ची मुच्ची। अच्छा, तो हम कुएं से पानी भर लाएं? हाँ, भर ला। ठीक है। चंदा, आज तू कैसे अगरबत्ती जला रही है? शीला दीदी कहाँ है? वो तहसीलदार के यहाँ हरि कीर्तन में गई हैं। तू नहीं गई? नहीं। क्यों? वो स्वामी जी है ना, वो अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा आदमी नहीं है? क्या किया उसने? वो कल जब घर आया था ना, तो मुझे पास बुलाकर आशीर्वाद देने लगा। तो इसमें कौन सी नई बात है? हर स्वामी आशीर्वाद देता है। नहीं, वैसे नहीं, वैसे सर पे हाथ रख के। लेकिन आशीर्वाद तो सर पे हाथ रख के ही दिया जाता है। नहीं, पहले सर पे हाथ रखा और फिर धीरे धीरे। मुझे शर्म आती है। ए, बताना। अच्छा, पहले तेरे सर पे हाथ रखा, फिर नीचे खिसकाने लगा। ऐसे? हाँ। फिर और नीचे। ऐसे? हाँ। आना, ये क्या करते हो? छोड़ दो मेरा हाथ। मर्द एक बार जिसका हाथ पकड़ लेता है फिर कभी नहीं छोड़ता। आना। नहीं, देखो अंजू, ये क्या करते हो? नहीं, छोड़ दो मुझे। तू इतना घबराती क्यों है? चंदा, मैं तुझे प्यार करता हूँ। क्या तू मुझे प्यार नहीं करती? हैं? नहीं, देख रहे तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तू इतनी डरती क्यों है पगली? तू बिल्कुल मत डर। चंदा, क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? सत्यन बाबू। अरे चंदा, आज महारानी जी कहाँ हैं? अंदर। भाई उन्हें अर्ज करो बाहर पधारें और अपने भक्त को दर्शन दें। क्या है चंदा? बाद बा मुलहजा होशियार। कहिए, क्या कहना है? कुछ नहीं, बस एक ये नाचीज तोहफा पेश करना चाहता हूँ। क्या है इसमें? इसमें फूलों के बादशाह गुलाब का इत्र है। शुक्रिया, मैं इत्र नहीं लगाती। पर क्यों? सुनिए, इत्र कोई गंदी चीज तो नहीं होती। आपके भगवान के बनाए हुए फूलों से तो निकाला गया है। और जब आपको फूलों से प्यार है तो इत्र से इनकार क्यों? मैंने कहा ना आपसे, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, आपकी मर्जी। चंदा ले, यह तेरे भाग्य में लिखा है। अरे उधर क्या देख रही है? मैं दे रहा हूं तुझे, ले। शीला, तुमने मेरा अपमान किया, खैर वो तो कोई नई बात नहीं, लेकिन तुम्हें इस इत्र का अपमान नहीं करना चाहिए था। शीला देवी, ये इत्र है, इत्र फूलों की आत्मा। अगर ये सुगंध ना हो तो ये फूल कागज के फूल बनकर रह जाएं। और यही बात इंसान की भी है चंदा। चाहे कितना भी रूप हो, रंग हो, यौवन हो, किंतु अगर उसमें प्यार की खुशबू ना हो तो महज एक कागज के फूल की तरह है, जो सिर्फ देखने में सुंदर है। चाहे कितना भी रूप हो, रंग हो, यौवन हो, किंतु अगर उसमें प्यार की खुशबू ना हो तो महज एक कागज के फूल की तरह है। चंदा की किरणों से लिपटी हवाएं, चंदा की किरणों से लिपटी हवाएं, सितारों की महफिल जवा। आके मिल जा, आके मिल जा, ऐ ऐसा मौसम मिले फिर कहाँ आके मिल जा, चंदा की किरणों से लिपटी हवाएं, सितारों की महफिल जवा, आके मिल जा, आके मिल जा, ऐसा मौसम मिले फिर कहाँ आके मिल जा। नजारों के रंगों में शबनम मिला के तेरी मांग भर दूं, सुहागन बना के, नजारों के रंगों में शबनम मिला के तेरी मांग भर दूं, सुहागन बना के, बेचैन मैं हूँ तो बेताब तू है, बहारे भी है मेहरबान, आके मिल जा, आके मिल जा, ऐसा मौसम मिले फिर कहाँ आके मिल जा। चंदन सिकाया ये रेशम से बाहें, मचलती तड़पती गुलाबी निगाहें, ये चंदन सिकाया ये रेशम से बाहें, मचलती तड़पती गुलाबी निगाहें, सांसों की गर्मी ये होठों की नरमी, सुनाए तेरी दास्तां, आके मिल जा, आके मिल जा, ऐसा मौसम मिले फिर कहाँ आके मिल जा, आके मिल जा। दीदी क्या हुआ दीदी? हाँ नहीं कुछ नहीं, मुझे बचपन ही से एक भयानक ख्वाब सा आता रहता है। कोई खास बात नहीं है चंदा, तू जाकर सो जा। दीदी पूजा का टाइम हो गया, मंदिर नहीं जाओगी क्या? मेरा मन अच्छा नहीं है चंदा, आज पूजा की थाली तू ले जा। तबीयत ठीक नहीं तो बैजी को बुला लाऊं? नहीं तू अब जा, आरती का वक्त हो गया है, देर मत कर। अच्छा अकेली मत जाना, भोलू को अपने साथ ले जाना और जल्दी लौट आना। अच्छा चंदा। चंदा क्या है? कुछ नहीं चंदा, तुझे डर तो नहीं लग रहा? नहीं तो। अगर लग रहा हो तो भले ही हमारे पास पास चल। मुझे लगता है तू खुद डर रहा है ना? नहीं हम डर नहीं रहे चंदा। क्या है रे? हम तुझे अच्छे लगते हैं। हाँ बहुत अच्छे। हाँ लेकिन तुझे हो क्या रहा है? तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? अच्छा चल घर चल। अच्छा भोलू अब तू जा। अरे घर जा। क्या बात है रे, आज तुझे हो क्या गया है? ए क्या हुआ चंदा? कुछ नहीं दीदी, बिल्ली को अचानक देखा, डर गई। तेरा ना चाहे बेशरम, ये क्या लक्षण है तेरे? हाँ भोलू, ए उधर कहाँ चला? तेल लेने। तेल लेने? बड़ा आया है तेल लेने वाला, यहाँ रख के भूल गया है क्या तेल? हमसे तो सत्यन बाबू ने मंगवाया है। किसने मंगवाया है? सत्यन बाबू ने। अच्छा, तो सत्यन बाबू ने भेजा है इसलिए आए हैं लाड साहब, वरना तो थोड़े ही आता। जा कहते सत्यन बाबू को यहाँ कोई तेल वेल नहीं मिलेगा। अरे ओ बच्चा के ताऊ, इधर देख, मेरी तरफ। कहा था कल से, एक तो शैतानी करेगा, ऊपर से रूठेगा। और हम कहाँ रूठे हैं? तो फिर कौन रूठा है? ठीक, लेकिन खबरदार फिर कभी ऐसी हरकत की तो करेगा, पक्की बात। अच्छा आ, मैं तुझे तेल दे दूँ। अरे आना, उधर क्या मुंह फाड़ रहा है? ओ बेनी, अबे लेकिन तू तो मर्द है, तू बेनी का क्या करेगा? हमें चाहिए, अच्छी लगती है। ये ले, खुश? लेकिन ये तो बता, ये लगाएगा किसके बालों में? अच्छा बारे भोलू। सत्यन बाबू, ले आया तेल? वो हाथ में क्या है? इसमें नहीं, उसमें। दोनों हाथ दिखाओ, दिखाओ दोनों हाथ। अच्छा, अरे राघव तुम तो बड़े छुपे रोज तुम निकले यार। किसने दी है? चंदा ने। चंदा बहुत पसंद है तुम्हें, तो ब्याह की बात करो पक्की। अरे चंदा, आज शीला नजर नहीं आ रही। वो तहसीलदार के घर गई है, उनके यहाँ बच्चा हुआ है। बहुत खूब, लेकिन दुनिया से संन्यास लेकर वो बाल बच्चों के मुंह में कब से पड़ गई? वो मैं नहीं जानती। तो फिर तू क्या जानती है? क्या है? कुछ नहीं, मैं तो शीला बिटिया से मिलने आई थी। शीला दीदी घर पर नहीं है? हाँ, वो तो दिख ही रहा है। क्यों सत्यन बाबू, तुम ब्याह क्यों नहीं कर लेते हो? इच्छा तो मेरी भी बहुत है काकी, लेकिन कोई लड़की तैयार हो तब ना। क्या कह रहे हो, तुमसे ब्याह करने तो कोई भी लड़की तैयार हो जाएगी। ऐसी बात है? हाँ। तो फिर तेरा मेरा हो जाए। क्या कह रहे हो, अब इस उम्र में मैं ब्याह करूंगी? क्यों, पर तुम में क्या कमी है काकी? तुम तो जवानों की मां लगती हो। क्यों चंदा? हाँ काकी, ये मौका चुके मत। तुझे इस बुढ़ापे में सत्यन बाबू की जैसे दूल्हा कहाँ मिलेगा। तो चुप रह छोकरी, ज्यादा चपर चपर करे मत, बेशरम कहीं की। अरे वो है राजी, तो बुलवा लूं पंडित। पता नहीं भगवान इन आंखों से और क्या क्या दिखाएगा। क्या बात है काकी? क्या बताऊं बेटी, कहा भी नहीं जाता और कहे बिना रहा भी नहीं जाता। क्यों, क्या हुआ? मैं तुमसे मिलने गई थी, देखती हूँ कि वो मुआ सत्यन चंदा की बाहें पकड़े खड़ा है। क्या कह रही हो काकी? अपने आंखों से ना देखा होता तो मुझे भी विश्वास नहीं आता। लो तुम खुद ही देख लो। इतनी जल्दी क्या आ जाने की? थोड़ी देर ठहर के चले जाना, आना। दूसरे साधु महात्मा तो कहते हैं कि मन को काबू में रखना चाहिए और आप कहते हैं कि मन को खुला छोड़ देना चाहिए। मैडम, they live in the past, I live in the present. Past is death, only present is life. Translate. अर्थात जो बीत गया वो मृत्यु है और जो है वही जीवन है, यानी कि। Thank you. क्या बात है स्वामी, आजकल तुम्हारे चक्कर बहुत ज्यादा लगने लगे हैं। Oh, my intellectual critic. भाई, चक्कर ही में तो प्रोग्रेस। इट इज द व्हील, द चक्कर दैट मेक्स द होल वर्ल्ड गो राउंड। समझे बच्चा? बच्चा? ये 25 साल का मर्द तुम्हें बच्चा नजर आता है? नाराज नजर आते हो यंग मैन, कुछ कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी बुढ़ी ठेरी से शादी करके ईमानदारी से खाना सीखो और यह हराम का खाना छोड़ो। सत्यन बाबू, आपको स्वामी जी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। किससे किस तरह बात करनी चाहिए ये मुझे आपसे नहीं सीखना। ये तुम्हें शायद भगवान नजर आता है, लेकिन मैं इस पाखंडी की असलियत बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। लेकिन पाखंडी में भी तो भगवान होता है मेरे दोस्त। देयर इज गॉड इन एवरी सिनर। उस भगवान का अपमान मत करो। अपमान तो क्या, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपका क्रियाकर्म भी कर दूंगा। गुरुदेव चले? आई थिंक सो टू। ठहरिए स्वामी जी, नाराज मत होइए। शीला, हम नाराज बिल्कुल नहीं। सत्यन में भी भगवान है, हमारे में भी भगवान है, मगर आज सत्यन का भगवान जरा जोरों पर है, इसलिए ये भगवान चलता है। यही बेहतर होगा। विचित्र तेरी माया। और खबरदार फिर इस घर में पांव रखा तो। सत्यन बाबू, ये घर मेरा है, यहाँ कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसका फैसला मैं करूंगी। यहाँ पर आए हुए किसी शरीफ इंसान की बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं। वो ढोंगी तुम्हें शरीफ नजर आता है? आप कौन होते हैं पूछने वाले? अभी तो कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़े दिनों में इस घर का कुछ होने वाला हूँ। आप एक बहुत ही गंदे और बेशर्म इंसान हैं। शीला, कितना अच्छा हो अगर तुम मुझे जिंदगी भर इसी तरह डांटती रहो। तुम्हारी कसम, तुम गुस्से में बहुत ही खूबसूरत लगती। सत्यन, जबान संभाल कर। जबान को तो संभाल लूंगा शीला, लेकिन इस दिल को कौन संभालेगा? इसे तो सिर्फ तुम ही संभाल सकती हो। शीला, तुमने मुझे गलत समझा है। मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ शीला, और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और ये कोई अनुचित बात नहीं, ये तो एक ऐसा प्रस्ताव है जो समाज, धर्म और ईश्वर सबकी नज़रों में पवित्र है। लेकिन फिर भी अगर मेरे कारण तुम्हारे मन को कोई दुख पहुँचा हो, तुम्हारा अपमान हुआ हो, तो मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मैं जाता हूँ शीला, और अगर तुम नहीं चाहोगी तो फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। क्यों, कौन सा महीना है, दूसरा या तीसरा? अरे बता दे मुझसे क्यों शर्माती है? घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक करवा दूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। तू अपना काम कर। रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। क्या कह रही हो काकी? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। अब मेरी उम्र गलतफहमी की है क्या बेटी? हे भगवान, विश्वास ना हो तो खुद ही पता कर लो। लेकिन ऐसा नालायक कौन हो सकता है? सत्यन। हाँ, और कौन होगा? मैंने तो तुम्हें बहुत पहले सावधान कर दिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। जो होना था सो तो हो गया। अब इस मामले को जितना ज्यादा फैलाओगी उतनी ही तुम्हारी घर की बदनामी होगी। कीचड़ में पत्थर डालने से खुद पर ही छींटे पड़ते हैं। सत्यन बाबू ने चीजें लौटाई हैं। वो कल वापस दिल्ली जा रहे हैं। देखा कैसा चालाक है। सोचा होगा कल को मुसीबत गले पड़ेगी, इसके पहले खिसको यहाँ से। रख दो उधर। क्या बात है दीदी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? आनंद, चंदा माँ बनने वाली है। हाँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं? लेकिन दीदी ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ नहीं मालूम। गोरा काकी ने आकर बताया तो पता चला, लेकिन ये सच है। आनंद, तुम फौरन जाकर शंकर मामा को यहाँ बुला लाओ ताकि इसे आज ही इसके गाँव भिजवा दे। लेकिन चंदा क्या कहती है? वो क्या कहेगी, सुबह से बैठी रो रही है। मैं तो इस मुसीबत की वजह से आज मंदिर भी नहीं जा सकती। क्यों? मैं मंदिर जाऊं, पीछे से कुछ कर बैठे तो? तुम तो खामखा डर रही हो, इसमें घबराने की कौन सी बात है? मैं भी जाकर शंकर मामा को बुला लाता हूँ, तुम बेफिक्र होकर मंदिर जाओ। जाओ ना दीदी, आरती का टाइम हो गया। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत की बात है। चंदा, चंदा, क्या ये सच है? देख, अगर कोई पूछे तो मेरा नाम मत लेना। क्या मतलब? तू भोलू का नाम ले दे। नहीं नहीं, मैं उस बेचारे का नाम कैसे ले सकती हूँ? इसमें हर्जी क्या है? और वो मान भी जाएगा, मैं उसे मनवा लूंगा। नहीं, मैं उस निर्दोष का नाम कभी नहीं लूंगी। तो इसका मतलब ये हुआ? मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जो सच है वही कहूंगी। लेकिन तेरे सच का विश्वास कौन करेगा? तू क्या समझती है जो तू कह देगी मैं उसे तस्लीम कर लूंगा? देख चंदा, अगर तू अपना भला चाहती है तो भोलू का नाम ले दे, नहीं तो चुपचाप अपने गांव चली जा। रुपए पैसे की जरूरत होगी तो मैं दे दूंगा, लेकिन अगर तूने मेरा नाम लिया तो मैं साफ इनकार कर दूंगा। और याद रख, लोग मेरी बात का यकीन करेंगे, तेरी बात का नहीं, समझी? अगर मुझे मालूम होता कि इस लड़की के लक्षण ऐसे हैं, मैं तो इसे घर में पैर तक नहीं रखने देती। लेकिन वो कमीना है कौन? अब किसे मालूम। मैं तो मंदिर चली जाती थी, आनंद बेचारा कॉलेज जाता था, पीछे से ये किसके पास जाती थी, यहाँ कौन आता था, ये मुझे क्या मालूम। लेकिन उस नालायक का पता तो लगाना चाहिए। मैं अभी चंदा से पूछता हूँ। देखो शंकर मामा, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है उसे घर ले जाकर पूछो, मेरे घर में ये जांच पड़ताल रहने दो। मैं नहीं चाहती कि इस बात का जिक्र मेरे घर में हो। यहाँ से तो तुम इसे आज ही ले जाओ, फिर वो जाने और उसका काम। ठीक है। अंदर आ जाइए। चंदा, तुम इतनी रात गए कैसे आई हो? क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? मैं माँ बनने वाली हूँ सत्यन। क्या क्या कह रही हो? हाँ सत्यन बाबू, मेरे साथ धोखा हो गया। कौन है वो? चुप क्यों है? पता ना कौन है वो? आनंद। आनंद? हाँ। तूने ये बात उसे बताई? हाँ। क्या कहा उसने? कहा कि अगर तू मेरा नाम लेगी तो मैं साफ इनकार कर दूंगा। अब मैं क्या करूं सत्यन बाबू? ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था चंदा। खैर अब रो मत, आनंद से मैं बात करूंगा। लेकिन आप तो कल जा रहे हैं, फिर मेरा क्या होगा? आपके सिवा और मैं किसके पास जाऊं? क्या करूं? घबरा मत, मैं तुझे इस मुसीबत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। ओह शीला देवी, आप इतनी रात गए, आपने यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? चल यहाँ से बेशरम, पहले मेरे घर से तो मुंह काला कर ले, फिर करती रहना अपनी ये प्रेम लीलाएं। शीला देवी, इस प्रेम लीला की शुरुआत तो आप ही के घर से हुई है। ठीक कहा तुमने, गलती मेरी थी जो मैंने तुम जैसे बच्चलन इंसान को घर में आने दिया। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने कमीने और गिरे हुए हो। ये तुम क्या कह रहे हो दीदी? चंदा तुम कुछ मत बोलो, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी कोई मदद करूं तो अपनी जुबान बंद रखो। ये कमी नहीं क्या बताएगी? और भी कुछ कहने को रह गया है क्या? अब मुंह क्या देख रही है, चल यहाँ से। चंदा तुम जाओ। आनंद ने तुम्हें अपना दोस्त समझा था और तुमने उस दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया। शीला देवी आप बहुत बोलती जा रही हैं, जाइए अब अपने घर जाइए। आप जैसी इज्जतदार लड़की का एक बदचलन इंसान के घर में मौजूद होना अच्छा नहीं। जाइए। सत्यन बाबू, सत्यन बाबू। कौन? राघव, क्या बात है? वो चली गई। चली गई? हाँ चली गई। अरे कौन चली गई? चंदा। किसके साथ गई है? शंकर मामा के साथ। शंकर मामा इतनी रात गए कहाँ चले? इसे इसके गांव छोड़ने जा रहा हूं। गांव क्यों? तब और इसे कहां ले जाऊं? फिलहाल तो तुम इसे मेरे यहां ले चलो। क्यों सोच क्या रहे हो? चलो बैठो। चलो चंदा। दीदी यहाँ आओ, वो देखो। दीदी ये तूने वापस लौटा लाया। लौटा लाया होगा, हमें इससे क्या। लेकिन तू क्यों घबरा रहा है? दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? तुझे डर क्यों लग रहा है? सत्यन का कोई भरोसा नहीं, कल को मेरा ही नाम ले दे। किसी की मजाल है जो तेरा झूठा नाम ले दे। वो चंदा को भी बहका सकता है दीदी, और लोग विश्वास भी कर लेंगे क्योंकि चंदा हमारे यहाँ काम करती थी। काम करती थी तो क्या हुआ, हम उसकी करतूतों के जिम्मेदार थोड़ी ही हैं। अगर हम ऐसे डर के रहेंगे तो दुनिया में जीना कैसे होगा? राघव स्टेशन के पास दुकानें खुली होंगी, वहां से चंदा के लिए कुछ खाने को ले आ। पता नहीं बेचारी ने कुछ खाया भी है या नहीं। सत्यन बाबू मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप जैसा समझदार और शरीफ इंसान एक मासूम लड़की की जिंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ करेगा। शंकर मामा वो खिलवाड़ करने वाला मैं नहीं, आनंद है। आनंद? जी हाँ आनंद। अगर ऐसी बात है तो फिर आप उसे यहाँ क्यों ले आए? ये मेरी गलती है, मैं अक्सर जिंदगी में ऐसी गलतियां करता आया हूं। अगर इस बात के लिए आनंद जिम्मेदार है तो मैं जाकर अभी उसे पकड़ता हूं। ठहरो शंकर मामा, जल्दबाजी मत करो। आनंद चंदा को कह चुका है कि अगर उसका नाम लिया गया तो वो साफ इनकार कर देगा। अच्छा? हाँ, ये मामला बड़ा नाजुक और संगीन है शंकर मामा, इसे बहुत एहतियात और तरीके से सुलझाना पड़ेगा। जरा सी भी गफलत से बात बिगड़ सकती है। अभी 4 तो बज ही चुके हैं, दिन निकलते ही मैं आनंद से जाकर बात कर लूंगा। आनंद कहाँ है? क्यों? मुझे उससे काम है। वो यहाँ नहीं है। कहाँ गया है वो? प्रिय दीदी, चंदा को लौटाने में सत्यन की कोई गहरी चाल है। वो अपना पाप मुझ पर थोपना चाहता है। खानदान की ये बदनामी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और उस वक्त तक नहीं लौटूंगा जब तक ये मामला रफा दफा ना हो जाए। आनंद। और कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं कहना। मैं आनंद से बात करने गया था, लेकिन वो कायर कल रात ही घर छोड़कर भाग गया। भाग गया? हाँ। आनंद भाग गया है तो क्या हुआ? उसकी बहन शीला दीदी तो है, मैं जाकर उससे बात करता हूं। कोई फायदा नहीं होगा। शीला के दिमाग पर शक का इतना गहरा पर्दा पड़ा हुआ है कि वो किसी की कोई बात नहीं सुनेगी। सुनेगी कैसे नहीं सत्येंद्र बाबू, उसे सुनना पड़ेगा। ये एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। लेकिन शंकर मामा, जब तक आनंद सामने मौजूद ना हो इस बात का कोई फैसला नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? मैं सारा गांव इकट्ठा करूंगा, पंचायत बुलाऊंगा। उससे क्या होगा? यही ना कि आप उस बेचारी को और परेशान करेंगे, उधर उसकी बेइज्जती होगी, ये जलील होगी और दुनिया वाले हंसेंगे। लेकिन फिर इस मसले का हल क्या है? शंकर मामा, जब तक आनंद वापस ना लौट आए हमें इस राज को राज ही रखना होगा, इसके सिवा और कोई चारा नहीं। सो तो ठीक है सत्येंद्र बाबू, मगर आनंद का क्या भरोसा वो कब तक लौटे? तब तक हम इसे कहां रखें? चंदा, तुम अपने गांव जाना चाहती हो? अगर मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूं तो अकेली रह सकोगी? हाँ। राघव, तू चंदा की देखभाल कर लेगा? किसी तरह की तकलीफ तो नहीं होने देगा? चंदा, मैं तुम्हारे रहने का सब इंतजाम कर देता हूं। मुझे तो आज दिल्ली जाना पड़ेगा, लेकिन शंकर मामा और राघव यहाँ हैं, ये तुम्हें संभालते रहेंगे, ठीक है ना? सत्यन भैया। रो मत बहन, सब्र से काम लो। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी बात की कोई तकलीफ हो तो अपने भाई को चिट्ठी लिख देना। क्यों रे चांदा, तूने ये क्या नाटक शुरू किया है? हाँ? कौन सा नाटक? इस लुच्ची को घर में लाकर तुझे शर्म नहीं आई? बेशरम! और इस चुड़ैल को तो देखो कैसी महारानी बने बैठी है। क्यों रे, तुझे मेरा ही बेटा मिला था? चल निकल यहाँ से, चल निकल। माँ, इस घर से कोई नहीं निकलेगा। क्या कहा? इस घर से कोई नहीं निकलेगा। अरे अच्छा मर्दी है, चल निकल यहाँ से, हरामजादी। माँ, निकल यहाँ से। खबरदार जैसे हाथ लगाए तो। मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे, वरना मैं तेरी जान ले लूँगा। काहे को हल्ला करती है? देख बेटा जग्गू, देख ये कंस इस कुतिया के खातिर मुझे मारने लगा है। पता नहीं इस जादूगरनी ने क्या जादू टोना किया है इस कम बखत पर। कौन है ये लड़की? रंडी है, रंडी। न जाने चुड़ैल कौन सी यार के हमल लेके अब आई है मेरे बेटे के गले में पड़ने। जग्गू पूछ बेटा, पूछ इस चुड़ैल से कि ये पाप है किसका, पूछ बेटा। अरे पहले तो अपना लाउड स्पीकर तो बंद कर। बिल्ला, ए लड़की, सच सच बता किसका बच्चा है तेरे पेट में? तुमने सुना नहीं? बोल किसका है? मेरा। तूने इससे शादी की है? हाँ। कब? कहाँ? मंदिर में, भगवान के सामने। लो भाई, अपने आप ही फैसला हो गया। जब ये बीबी इसकी है तो इसी के घर में रहेगी। बिल्कुल ठीक है। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? वाह काकी, तुम भी खाली हल्ला गुल्ला करती हो और हम लोगों का टाइम खराब करती हो। चल बिल्ला। काकी गुड़ बांट गुड़, अब काकी से दादी बनने जा रही है। अरे मेरे भोलू, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया पगले? हैं बहू, अरे तू खड़ी क्यों है? बैठ जा। देख इन दिनों में जरा सावधानी से रहना, कहीं ऊंचे नीचे पाँव मत धरना, समझे? मैं हनुमान जी के प्रसाद चढ़ाने जाती हूँ। राघव, शीला दीदी। कौन? शीला दीदी, मेरा भोलू बाप बनने वाला है। क्या? हाँ, चंदा उसी के बच्चे की माँ बनेगी। लेकिन काकी, तूने तो कहा था कि... मुझे क्या पता बेटी, जब उसने बताया तब पता चला। बस बस, तो अपने लिए तो रख। मेरे लिए है। रहने दो राघव, मैं उठा लूंगी। अब हमें सो जाना चाहिए, क्यों? पता नहीं किसी देवी देवता का श्राप है या क्या, कई साल से मुझे एक दिन भी सुख की नींद नहीं आई। जब मैं सोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक भयानक राक्षस मेरा गला घोटकर मुझे मार डालना चाहता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ? हमारी समझ में आ गया है। क्या महाराज? हमें नींद में उस राक्षस का गला घोंटना पड़ेगा जो नींद में तुम्हारा गला घोंटना चाहता है। कुछ भी कीजिए महाराज, लेकिन मुझे मन की शांति चाहिए। मेरा मन बहुत बेचैन, बहुत अशांत रहता है। ये अशांति तुम्हारे मन की नहीं, तुम्हारे तन की। जी? देखो शील, ये तन और मन कोई दो अलग वस्तुएं नहीं। इसलिए अगर तुम्हें मन की शांति चाहिए तो पहले तुम्हें तन की शांति प्राप्त करनी पड़ेगी। और वो शांति तुम जैसी खूबसूरत और नौजवान लड़की के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। इस भय से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले तुम्हें निर्भय का गुरु मंत्र लेना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा मन, तुम्हारा तन और तुम्हारी आत्मा सबको शांति मिल जाए। लेट द तन रन। स्वामी जी, ये क्या करते हो? तुम्हारे रोग का इलाज। मुझे ऐसा इलाज नहीं कराना है। अगर इलाज न कराना हो तो फिर रोगी को डॉक्टर के पास आना ही नहीं चाहिए। मगर एक दफा जब रोगी डॉक्टर के पास आ जाए तो फिर ये डॉक्टर का फर्ज हो जाता है कि उसका इलाज करे, चाहे रोगी माने या ना माने। अब जो तुम हमारी शरण में आ गई हो तो तुम्हारा कष्ट निवारण करना हमारा परम कर्तव्य हो गया है। खबरदार जो तूने मेरे शरीर को हाथ भी लगाया। मूर्ख लड़की, तुझे अपने इस तुझ शरीर का ख्याल है और हमारे तब का कोई ख्याल नहीं। ये मेरी भूल थी जो मैं यहाँ आई। छोड़ दे मुझे। कहाँ जाती है? छोड़ दे मुझे। कहाँ जाती है? शीला, बेटी बहुत रात हो गई, अब तू सो जा। मुझे अभी नींद नहीं आती। अभी आ जाएगी। मैं तुझे एक लोरी सुनाती हूँ, तू आँख बंद कर ले। तमीजी कैसी? मैं तुम्हारा पति। मालूम है मुझे, एक तो शराब में धुत होकर आओगे, ऊपर से बेशर्मों की तरह हरकतें करोगे। भगो मत। इंसान को कम से कम बच्चों का तो ख्याल करना चाहिए, उन पर क्या असर पड़ेगा। बच्चे जाएं जहन्नुम में। मुझे इस वक्त सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। पता नहीं वो क्या कारण है जिसकी वजह से तुम्हारे मन में कोई डर, कोई ऐसी दहशत बैठ गई है जो तुम्हें मेरे करीब नहीं आने देती। मैं जाता हूँ शीला, और अगर तुम नहीं चाहोगी तो फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। ये कहाँ था? ये साला कोने में छुपा हुआ था। तेरा गुरु कहाँ है? ओ अरे आम का बच्चा, मैं पूछता हूँ तेरा गुरु कहाँ है? ओ लगता है छोटे स्वामी ने मौन धारण कर रखा है। ओ मैं भी इनका मौन व्रत तोड़ता हूँ। मुझे मत मारो, मेरा कोई दोष नहीं है। तो किसका दोष है? कल रात जब राधा आई तो स्वामी ने मुझे बाहर भेज दिया। मैं रात भर बाहर पड़ा रहा, सुबह उठा तो दरवाजा फिर भी बंद था। पता नहीं उस दुष्ट ने रात में क्या क्या किया। मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे ऐसे क्यों मारते हो? इसे तो इसका गुरु ही मार गया। जाने दो बेचारे को। चल दो, जा चल जा। जिस रास्ते से साला तेरा गुरु गया है, चेला भी साला उसी रास्ते से जाएगा। चल। जग्गू दादा, क्या है? भला इस गांव में मर्दों की कमी थी, लेकिन किस्मत भी जो चमकी तो उन साले परदेशियों की। एक वो था कलेश योगी जो आया और कृष्ण का भक्त बनकर राधा को लेकर भाग गया, और दूसरा इंजीनियर बनकर आया और वो कुंवारा ही बाप बनकर चला गया। किस्मत होनी चाहिए बेटा, क्या देसी और क्या परदेसी। अब इसी साले को देखो, कपड़ा पहनने को शहूर नहीं है, लेकिन किस्मत का सिकंदर है। एक ही झटके में मेहरारू, बीबी, बेटा सब लेकर चला गया। शेरू, मैं अभी आता हूँ। भोलू, ए भोलू, क्या है? भोलू कहाँ है? काम पर गया है। कब लौटेगा? शाम को। अब तो तुझे नहीं सताती गोरा काकी? नहीं। उस दिन अगर हम ना होते तो वो बुढ़िया तो तुझे मार मार के घर से बाहर निकाल देती। एक गिलास पानी पिलाएगी? मैं पानी बाहर ला रही थी ना, अंदर आने की क्या जरूरत थी? क्यों? जब भोलू अंदर आ सकता है तो हम क्यों नहीं आ सकते? औरत जब अकेली घर में हो तो पराया मत को अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन तू हमें पराया क्यों समझती है? हम तो पहले ही दिन से तेरे हो चुके हैं। देख, अक्कल से काम ले। क्यों उस मिट्टी के माधव के साथ अपनी जवानी बर्बाद कर रही है? मेरे संग चल, हवेली में रखूंगा, दुल्हन की तरह सजा के। पानी पीना है तो पियो और जाओ यहाँ से। ये प्यास पानी से नहीं बुझने वाली मेरी जान, हम तो तेरे रूप के प्यासे हैं। कमीने, कुत्ते, निकल यहाँ से, नहीं तो जान से मार डालूंगी। निकल। तेरी ये हिम्मत! चंदा, 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 क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? बता ना। वो जग्गू है ना? हाँ। वो आकर मेरा हाथ पकड़ने लगा और क्या? राघव, कहाँ जा रहे हो? राघव, राघव रुक जाओ। कुछ खाने का सवाल ला। अबे सुनता नहीं, उस्ताद को खाने का ला। जग्गू! कमीने, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूध के दांत टूटे नहीं और जग्गू से चला था मुकाबला करने। बेटा चल, जा जा। उन गुंडों का कोई भरोसा नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, हम बाहर ही सोएंगे। काम बिल्कुल मेरे भोलू जैसे हैं। सुनता भी कम है, देखते ही लगता है कि मेरा भोलू का बच्चा है। हाँ, हो भी सकता है। क्या कह रही हो शीला दीदी? वाह, तुमको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। और क्या कहूँ काकी? क्यों? विश्वास ना हो तो खुद ही चल के देख लो। जानती हो बुआ जी, कल जब मैं उसे देखने गई तो मेरे तरफ अपने छोटे छोटे हाथ उठाकर कहने लगा, दादी माँ। अरे कैसी दीवानों जैसी बातें करती है गोरा, जन्मते ही बोलने भी लगा। हाँ सच मानो बुआ जी, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। अब ये मत कह लेना कि पेट में से भी आवाजें लगाता था। बात करती है। अरे चिड़िया तेरे। हाँ? इसे रात दिन गोद में रख रख के तुम इसकी आदत बिल्कुल बिगाड़ दोगे। कैसे? कैसे क्या? फिर एक पल भी गोद से नहीं उतरेगा। तो हम नहीं उतारेंगे, हम गोद में ही रखेंगे। अच्छा बाबा, अभी तो सोने दो। नहीं, हम खुद ही सुलाएंगे। चंदा देख कितना छोटा सा है। जब हम बच्चे थे ना, हम भी इतने ही छोटे से थे। अच्छा। अरे चंदा, हमने इसका नाम तो रखा ही नहीं। तुम ही रख दो। नहीं, तुम ही रखो, तुम माँ हो इसकी। हमारा नाम भी हमारी माँ ने रखा था। अच्छा। हाँ, लेकिन जरा अच्छा सा रखना। अच्छा सा मोती। हाँ, मोती की बकरी का बच्चा है, छोटा सा। चंदा, जब तू नहाकर नई साड़ी पहनती है तो बहुत खूबसूरत लगती है। राघव, रात बहुत बीत चुकी है, अब सो जाना चाहिए। हमको अभी नींद नहीं आ रही। चंदा, चंदा अगर मैं तुझे कुछ चीज ला दूं तो तू नाराज होगी क्या? नहीं तो। देख तो कैसी मस्त खुशबू है ना? चंदा, हम तुझे अच्छे लगते हैं। हाँ। बहुत अच्छे। हाँ। राघव, जाओ सो जाओ, बहुत रात हो गई है। आजकल बाहर बहुत ठंड पड़ती है, हम भी अंदर सो जाए। राघव। हाँ। दरवाजा तुमने खटखटाया? नहीं, नींद में हमारा पाँव लग गया होगा। इधर इंतजार उधर इंतजार, मैं भी बेकरार। जग की मर्यादा देखो बनी है दीवार। इधर इंतजार उधर आहें और जलती जवानी, आग से देखो जैसे लिपटा है पानी। ठंडी ठंडी आहें और जलती जवानी, आग से देखो जैसे लिपटा है पानी। बेतनहाई ये अंगड़ाई, एक है जवानी और गम बेशुमार। इधर इंतजार उधर इंतजार, तू भी बेकरार मैं भी बेकरार। पास पास रह के भी इतनी है दूरी, कोई नहीं समझेगा तेरी मजबूरी। पास पास रह के भी इतनी है दूरी, कोई नहीं समझेगा तेरी मजबूरी। जिंदगी है तेरी रात अंधेरी, रूठ न जाए कहीं रूप की बहार। इधर इंतजार उधर इंतजार, तू भी बेकरार मैं भी बेकरार। जग की मर्यादा देखो बनी है दीवार। इधर इंतजार उधर इंतजार। आंखें खोलो आनंद। सत्यन तुम? चलो तुमने पहचान तो लिया, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? ढूंढने वाले तो भगवान को भी ढूंढ लेते हैं मेरे दोस्त। आओ मेरे दोस्तों से मिलो, लेकिन मैं यहाँ तुमसे कोई बात नहीं कर सकता। अपने दोस्तों के साथ हूँ, तुम फिर किसी दिन आ जाना। फिर किसी दिन नहीं बरखुरदार, कई महीनों की तलाश के बाद मिले हो, इसलिए बात तो तुम्हें मुझसे आज ही करनी होगी, अभी इसी वक्त। अगर यहाँ नहीं करना चाहते हो तो जहाँ कहो चले चलते हैं। ठीक है, मैं कपड़े पहन के आता हूँ। क्या आप पागलों जैसी बातें करते हो यार? तुम ये चाहते हो कि मैं उस झाड़ू बर्तन करने वाले से शादी कर लूं? क्यों नहीं, जब तुम उसके बच्चे के बाप बन सकते हो तो तुम्हें उसे अपनी पत्नी बनाने में क्या एतराज हो सकता है? सत्यन मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। आनंद तुम शायद ये नहीं समझ पाए हो कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इस गलत फहमी में मत रहना सत्यन, अब मैं वो आनंद नहीं रहा जिसे कोई दाब धौंस देकर जो चाहे करवा ले। लेकिन मैं आज भी वही सत्यन हूँ आनंद, और तुझे लेकर ही जाऊंगा। आनंद मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत कर, अब भी मान जा, चल मेरे साथ। Come on. आनंद ने चिट्ठी में आने का कब तक लिखा है? आने का तो अभी कुछ नहीं लिखा है राय साहब। उसके इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए क्या? इम्तिहान तो कब के खत्म हो गए राय साहब। मैं तो इसी उम्मीद पर बैठा हूँ कि जल्द से जल्द बिटिया की उससे शादी कर दूं और फिर सारा कारोबार उसे सौंप कर मैं रिटायर जिंदगी बिताऊं, लेकिन पहले शादी तो हो जाए। भला हमें शादी से कब इनकार है राय साहब? आप मुहूर्त निकलवा के खबर भेजिए, हम आज ही उसे तार देकर बुलवा ही लेते हैं। इसको होश कब तक आएगा डॉक्टर साहब? आज पूरे 20 दिन हो गए हैं। भोलू, ए भोलू, आगे रखो। भोलू, ओ भोलू। आनंद बाबू, आप? हाँ, तुम कैसे हो? ठीक। चंदा तो अच्छी तरह से है ना, खुश है ना? हाँ। और उसका बच्चा? वो भी अच्छी तरह है। अच्छा, भोलू तुम रहते कहाँ हो? यहीं पास में, 2 कोस पर। भोलू, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, ये रख लो। नहीं नहीं, हमारी बेइज्जती मत कीजिए आनंद बाबू, हमने ये सब पैसे के लिए नहीं किया। मुझे मालूम है भोलू, तुमने हमारे नमक का हक अदा किया है। अच्छा, अब चलता हूँ, चंदा से कहना बहुत जल्दी आऊँगा। चंदा, आज हमें आनंद बाबू मिले थे। कहाँ? स्टेशन से तांगे में बैठकर अपने घर जा रहे थे। तांगा रोक के हमसे बातचीत की, पूछ रहे थे चंदा अच्छी तरह है ना, खुश है ना, उसे किसी बात की तकलीफ तो नहीं, और मुन्ने के बारे में भी उन्होंने पूछा, और ये भी कह रहे थे कि वे जल्दी ही यहाँ आएंगे। चंदा, अब तो तुम जल्दी ही अपने घर चली जाओगी। हमसे कोई भूल हुई हो तो माफी कर देना। ये तुम कैसी बातें करते हो राघव? अच्छा, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना परोसती हूँ। राघव, राघव तुम रो रहे हो? नहीं तो। मैं चली जाऊंगी इसलिए तुम नाखुश हो? नहीं, हम तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हाँ, तुम्हें जाना ही चाहिए चंदा। चंदा, तुम वहाँ बहुत सुखी होगी। या क्या है चंदा, जब तुम और मुन्ना यहाँ से चले जाओगे तो यहाँ पर सुना सुना सा लगेगा। लेकिन तुम भी हमारे साथ आओगे? नहीं नहीं चलता, नहीं। क्यों? नहीं, तुम जाओ। लेकिन तुम कहाँ रहोगे? हम यहीं रहेंगे, हम कहीं भी रहेंगे। Juhuran meno, uistate namau invidema. राय साहब आइए कन्यादान कीजिए। जी हाँ। ठहरिए पंडित जी, कन्यादान राय साहब नहीं करेंगे, मैं करूंगा। और आप इस कन्या को भी लगन मंडप में मत बैठाइए। कौन है आप जो ऐसी शुभ घड़ी में मनहूस बातें कर रहे हैं? ये इस बेशर्म से पूछिए जो दूल्हा बना बैठा है। आनंद, राय साहब की बात का जवाब दो और खुद अपनी जुबान से समझाओ कि शुभ काम वो है जो तुम कर रहे हो या वो जो मैं करने आया हूं। आनंद, सत्यन, चुपचाप यहां से चले जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो आनंद? तुम हट जाओ दीदी। सत्यन, अगर तुमने एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो जान से मार दूंगा। मेरा नाम सत्यन है आनंद, और सत्य कभी मर नहीं सकता। एक बार तो कोशिश करके देख चुके हो, चाहो तो फिर आजमा लो। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली सीने के पार हो जाएगी। तुझे भी कसम है जो अपना हाथ रोके दोस्त, मैं तुझे अपना दूसरा खून भी माफ कर दूंगा, लेकिन जीते जी तुझे यह अत्याचार नहीं करने दूंगा। सत्यन, छोड़े, तू पागल हो। राम सिंह, नत्थु सिंह, बदमाश को पकड़ के बाहर निकाल दो। खबरदार जो किसी ने हाथ लगाया। ये कब की दुश्मनी निकाल रहे हैं आप हमसे? क्या बिगाड़ा है हमने आपका? अपने घर में मेहमान बनाकर कौन सा पाप कर दिया था हमने? आपके जिस घर में 2 दिन मेहमान बना था, उसी घर की इज्जत का ख्याल करके आज तक खामोश था शीला देवी, लेकिन आज भरी बरादरी में मुझे ये बताना पड़ रहा है कि चंदा के जीवन में आग लगाने वाला पापी ये आपका भाई है। आनंद चंदा के बच्चे का बाप है। ये झूठ है, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। चंदा के बच्चे का बाप भोलू है। इन दोनों ने मंदिर में जाकर शादी की है, ये आप सब लोग जानते हैं। हाँ, भोलू ने हम सब के सामने इस बात का इकरार किया था। वो गलत था, लेकिन चंदा की इज्जत बचाने के लिए उसे ऐसा कहना जरूरी था, इसीलिए उसे यह झूठ बोलना पड़ा। मगर हकीकत यह है कि इस लड़की की इज्जत लूटने वाला आनंद है, इस बच्चे का बाप आनंद है। यह बकवास करता है। आप लोग इसी बात का यकीन मत कीजिए। भोलू और चंदा अब अगर तूने अब भी सच्चाई नहीं उगली तो मैं तेरे छिछड़े बिखेर दूंगा। बोल, ये बच्चा तेरा है या नहीं? बोल। हाँ, मैं कबूल करता हूँ, ये बच्चा मेरा है। अगर ऐसी बात थी तो यहाँ कदम रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे तो आपकी हरकत पर ताज्जुब हो रहा है शीला देवी। बेशरम, निर्लज कमीने, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल के बड़ा किया था? आप हट जाइए शीला देवी। मेरे घराने की इज्जत आबरू का नाश इसने किया है, इसका नाश मेरे हाथों होगा। ये आप क्या कर रहे हैं राय साहब? मौत इसकी सजा नहीं, ये तो उस मासूम चंदा की सजा बन जाएगी। इसका प्रायश्चित यही है कि चंदा के साथ इसे फेरे देकर इससे सौगंध उठवाइए कि ये जिंदगी भर उसकी सेवा करे। ये कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? नादान लड़का है, गलती हो गई, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम इसकी शादी ऐसी लड़की से कर दें जो किसी के बखेल रह रही है। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। चंदा हमारे साथ रही जरूर है, लेकिन भगवान जानता है ये आज भी गंगा जल की तरह बिल्कुल पवित्र है। अरे हुआ करे पवित्र है तो, लेकिन इसको अपने घर की बहू तो नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? चला। हाँ बुआ जी, हमें तो चंदा का एहसान मानना चाहिए, जिसे खुद बदनामी का जहर पीकर भी हमारे खानदान की इज्जत बचाई है। आज तो बहुत बढ़-बढ़ के बातें कर रही है, लेकिन ये भी सोचा है कि कल को लोग क्या कहेंगे। लोगों का क्या है बुआ जी, लोगों ने तो सीता जैसी सती पर भी कलंक लगा दिया था, लेकिन जब राम ने उस धोबी की बात का ख्याल करके सीता को घर से निकाल दिया तो आज हम राम को दोषी ठहराते हैं, उस धोबी को नहीं। चंदा, चंदा, मुझसे अनजाने में जो कुछ भी हुआ, मुझे उसका बहुत दुख है। अब चल, और चल के अपने पति को स्वीकार कर। हाँ पिताजी। जिस मंडप से आप अपनी बेटी को विदा कर रहे थे, उस मंडप से इस लड़की का कन्यादान कीजिए। ये भी तो आपकी बेटी के बराबर है। ओम अग्नेय सुपधाराय तस्मान् विष्मामि देववयुनानि विद्वान् युयोधत्म जुहुरानमेनो। आओ प्रिय। ए जनासेन, जनासेन। अरे गुरु, लेट द बन रन। ओ गुरु, ओ गुरु, ओ गुरु घंटाल। लेट द मन रन। अरे छोड़ो छोड़ो, बहुत देख लिए तुम्हारे लेट द मन रन। शिश, तुम्हारी ये सिंगदाना वाली हालत किसने कर दी? ये सब तुम्हारा चमत्कार है गुरु। वो कैसे? तुम तो लौंडिया को लेकर सटक गए। लौंडिया नहीं, तुम्हारी भाभी। हाँ हाँ, भाभी सही। तो नमस्कार करो। नमस्कार भाभी। बच्चे को प्यार करो। क्यों स्वामी? स्वामी होकर आगे गृहस्थ आश्रम में? हे प्रभु, इस देश का क्या बनेगा? जब अकेले थे तो कहते थे गृहस्थ आश्रम में आ जाओ, जब गृहस्थ आश्रम में आ गए तो कहते हैं अकेले हो जाओ। किसी को कुछ सिद्धांत ही नहीं रहा। जय श्री कृष्ण। ठीक पगली, मुझे मालूम था तुम जरूर आओगी। अगर यहाँ स्टेशन पे नहीं आती तो दिल्ली पहुंच जाती। क्या मतलब? मैंने कहा था ना, अ वुमन इज अ वुमन इज अ वुमन।